नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल नगरोटा हमले के बाद सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ खुद आज नगरोटा के लिए रवाना होंगे। साथ ही विपक्ष ने संसद में इस मामले को उठाने का ऐलान किया है, लेकिन उनसे अपील की गई है कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, इस मामले पर हंगामा ना किया जाए संसद में। वहीं आज विपक्षी दलों ने अपनी अपनी मीटिंग में जो शहीद जवान है उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, मौन धारण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अफसरों और साथ ही जवानों से मुलाकात करेंगे आर्मी चीफ। दलबीर सुहाग आज नगरोटा जाएंगे, वहां पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे और साथ ही कल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था नगरोटा में उसका हाल जानेंगे, उसका ब्यौरा लेंगे कि किस तरह से आतंकी हमला हुआ, कहां पर चूक हुई, आखिरकार आर्मी बेस को निशाना बनाया आतंकियों ने और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई सेना की ओर से, इन सभी बातों की समीक्षा की जाएगी आर्मी चीफ की तरफ से जो आज नगरोटा के लिए रवाना होंगे। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ठीक तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए इस पूरे मामले की, ताकि आगे पाकिस्तान इस तरह का कोई भी हरकत करने की हिमाकत ना करे। नगरोटा में जिस तरह से कल आर्मी बेस को निशाना बनाया, पहले भी इस तरह से आर्मी कैंप को निशाना बनाया जा चुका है, चाहे वो उरी हो, पठानकोट हो। ये इन तमाम बातों के मद्देनजर अब विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द बातचीत करनी होगी पाकिस्तान से, और ये मुद्दा आज संसद में भी उठाया जाएगा नगरोटा हमले का। वहां पर पहुंचेंगे आर्मी चीफ दलबीर सुहाग। क्या पाकिस्तान अपना खात्मा चाहता है? क्या पाकिस्तान अपना वजूद मिटाना चाहता है? क्या पाकिस्तान सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है? कम से कम नगरोटा में हुआ हमला तो इन्हीं सब बातों का इशारा करता है। वहां पर दो अफसरों समेत 7 जवान शहीद हो गए, लेकिन 3 आतंकियों को भी इन वीर सैनिकों ने ढेर कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के 7 वीरों ने वतन परस्ती का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। हिंदुस्तान की सरजमी को महफूज रखने की कस्में खाने वालों ने अपनी कुर्बानी देकर उस कसम को पूरा किया। देश को उन वीरों पर बहुत नाज है। मेजर कुणाल मन्नादीर, उम्र 33 साल, सोलापुर, महाराष्ट्र। मेजर अक्षय गिरीश कुमार, उम्र 31 साल, कोरामंगला, कर्नाटक। हवलदार सुखराज सिंह, उम्र 32 साल, गुरदासपुर, पंजाब। लांस नायक कदम संभाजी यशवंत राव, उम्र 32 साल, नांदेड़, महाराष्ट्र। ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, उम्र 28 साल, धौलपुर, राजस्थान। राइफलमैन असीम राय, उम्र 32 साल, खोतांग, नेपाल। इन 6 जांबाजों के साथ एक और जवान की शहादत हुई है। जम्मू के नगरोटा में 29 नवंबर की सुबह आंख खुलते ही सारा मंजर बदलने लगा। नगरोटा हाईवे पर सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर के पास आतंकियों ने आर्मी यूनिट पर हमला किया। पुलिस की वर्दी में आए कायर आतंकियों ने खूनी होली खेलनी शुरू कर दी। गेट से ऑफिसर्स मैस में घुसते हुए आतंकियों को रोकने की कोशिश में 1 अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। 3 उग्रवादी जो कि हेविली आर्म्ड थे, पुलिस वर्दी में थे, वो तीनों उग्रवादी जो थे फायरिंग करते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए हमारे एक शिविर में घुसे और इनिशियल कॉन्टैक्ट जो हमारी QRT ने एस्टैब्लिश किया, उस कॉन्टैक्ट में हमारा एक बहादुर अफसर और 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। सेना के मुताबिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मैस में मौजूद 12 सैनिकों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बंधक बनाने की कोशिश की, मगर हमारे जवानों ने आतंकियों के इरादे नाकाम कर दिए। सैनिकों और अफसरों के परिवारों को आतंकियों के पास से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये उग्रवादी जो थे एक ऑफिसर मेस बिल्डिंग के पास में जो कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्डिंग्स के अंदर ये उग्रवादी घुस गए, उन बिल्डिंग्स के अंदर 12 जवान और 2 लेडीज, 2 औरतें और 2 बच्चे थे। एक होस्टल लाइक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई। उस सिचुएशन को
अवर्ट किया गया। बहुत सक्सेसफुली, बहुत बहादुरी से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारा एक बहादुर अफसर जो है और दो जवान है वो शहीद हो गए। सात वीरों ने अपनी जान देकर न सिर्फ वतन की हिफाजत का फर्ज निभाया बल्कि दो ऐसे बच्चों को भी बचाया जिनकी उम्र महज 18 महीने और 2 महीने है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक अफसर और दो जवानों की शहादत हुई लेकिन सेना की इमारत में घुसे तीनों आतंकवादियों को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। अपने सीने पर आतंकियों का गोला बारूद जज्ब करने वाले सातों वीर सपूत हमेशा के लिए तिरंगे में सो गए। नगरोटा में आए आतंकियों को न सिर्फ सैनिकों ने बल्कि उनकी पत्नियों ने भी चकमा दिया। दरअसल इन पत्नियों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि आतंकी घर में दाखिल होकर लोगों को बंधक बनाना चाहते थे और उनके इस नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया गया। नगरोटा में हुआ आतंकी हमले का मुकाबला न सिर्फ सैनिकों ने किया बल्कि उनकी बहादुर पत्नियों ने भी पूरा साथ दिया। सेना के मुताबिक 16 कॉप्स हेडक्वार्टर में रहने वाले दो आर्मी अफसरों की पत्नियों ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नगरोटा हमले में दो अफसरों की पत्नियों ने मिसाल पेश की। फायरिंग की आवाज सुनकर दोनों महिलाओं ने एंट्री ब्लॉक कर दी। इससे आतंकी फायरिंग करते हुए क्वार्टर्स में दाखिल नहीं हो सके। फैमिली क्वार्टर्स के सारे दरवाजे खिड़की अंदर से बंद कर लिए। दोनों बहादुर महिलाओं ने क्वार्टर्स की लाइटें भी फौरन बंद कर दी। दोनों महिलाएं बच्चों को लेकर दीवार के पास खामोश बैठी रही। एनकाउंटर खत्म होने के बाद सैनिकों के बुलाने पर दरवाजे खुले। सेना के आला अफसरों ने महिलाओं के हौसलों की तारीफ की। सेना के अफसरों ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद माना कि अगर आर्मी अफसरों की बहादुर पत्नियों ने इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो आतंकवादी उन्हें बंधक बनाने में सफल हो जाते और क्वार्टर में रहने वाले सेना के परिवारों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर जाबाज सैनिकों की पत्नियों ने भी जाबाजी दिखाई है। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन में पैरा कमांडोज की भूमिका भी काफी अहम रही है। आर्मी के पैरा कमांडोज ने दो नवजात बच्चों को भी इस पूरे एनकाउंटर के दौरान पूरी तरह सुरक्षित किया। एक महिला मेजर और एक महिला कैप्टन को भी पैरा कमांडोज ने बचाया। आर्मी ऑफिसर्स मेस के दो गेस्ट रूम में करीब 16 लोग बंधक जैसी स्थिति में थे मगर सैनिकों और पैरा कमांडोज ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सरहद पार से रची जा रही आतंकी साजिशों को हर बार की तरह इस बार भी नाकाम कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की इस आतंकी सोच ने हमारे साथ जाबाजों को शहीद कर दिया। अब पाकिस्तान को इस गलती की सजा भुगतनी ही होगी। उसके आतंकी जहां कहीं भी छिपे होंगे उन्हें जवानों की गोलियां ढूंढ ही लेंगी। अश्विनी कुमार के साथ गौरव सावंत, नगरोटा, जम्मू, आज तक। क्या पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगी? क्या एक बार मोदी सरकार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेगी? दरअसल देश में इस आतंकी हमले के बाद जबरदस्त गुस्सा है और देशवासी चाहते हैं कि भारत की ओर से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए। नगरोटा में आर्मी यूनिट पर हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर दोनों देशों की सरहद से लेकर सियासी हुक्मरानों तक तनाव बढ़ा दिया है। ताजा हमला पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा कहा जा सकता है। सेना की यूनिट में घुसकर एक बार फिर फिदायीन हमला साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर और सख्ती बरती जाए। क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारतीय सेना पर लगातार छिपकर हमला कर रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने घुसपैठ करके हमला किया था। इसके बाद सितंबर में उरी में सेना के बेस कैंप में घुसकर 18 जवानों को शहीद कर दिया और अब नगरोटा में आर्मी यूनिट में फिदायीन हमला। ये तीनों ही हमले पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का सबूत है। नगरोटा हमले को लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच चर्चा हुई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पीएम मोदी को घटना की जानकारी दी। नगरोटा आतंकी हमले पर पीएम को विस्तार से ब्रीफिंग दी। रक्षा मंत्री ने सेना से इस पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा में लापरवाही की जांच भी करवाई जा सकती है। कुछ दिनों पहले आर्मी कैंप में आतंकी हमलों से सतर्क रहने का अलर्ट भी दिया गया था। 24 नवंबर को सूचना मिली थी कि 29 या 30 नवंबर को बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी हमलों के इनपुट के बावजूद सेना की यूनिट पर हमला हो गया।
ऐसे में सवाल उठता है कि सच में सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही तो नहीं हुई। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान खुद चाहता है कि भारतीय सेना एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करे, मगर इस बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके असर से पाकिस्तानी सेना का संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।